प्रदेश से अधिकारियों द्वारा काम करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला खरगोन जिले से सामने आया है, जहां लोकायुक्त अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राहत राशि वितरण के सर्वे में लापरवाही बरतने के लिए पटवारी दिनेश पाटीदार को SDM द्वारा निलंबित किया गया था और तहसीलदार बलिराम सोलंकी को 1 माह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। वहीं तहसीलदार द्वारा आवेदक दिनेश पाटीदार से जल्दी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसमें 5,000 रुपये आरोपी तहसीलदार ने पहले ही ले लिए थे, जिसके बाद बीते दिनों पहले लोकायुक्त अधिकारी ने आरोपी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और उसका प्रतिवेदन 1 माह में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया गया था तहसीलदार महेश्वर को, किंतु आज दिनांक तक वो प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके एवज में जो तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू है बलिराम सोलंकी, जो नायब नाजिर है वहाँ, वो इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग तहसीलदार के नाम से कर रहे थे। तो 5,000 रुपये वो पहले ले चुका था। 12 तारीख को इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर और उसकी कंप्लेंट करी थी कि जो है इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत राशि प्रतिवेदन को इनके हिसाब का भेजने के लिए मांगी जा रही है। इस पर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग में जो है रिश्वत मांग संबंधी पुष्टि होने से ट्रैप दल का आज गठन किया गया था और आज 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बलिराम सोलंकी, जो नायब नाजिर है महेश्वर तहसील कार्यालय में पदस्थ, उनको उनके कार्यालय में ही पकड़ा गया है। उन्होंने रिश्वत राशि लेके अपने जो साइड में उनका तिजोरी लगी हुई है उसके दराज में रख ली थी और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। लोकायुक्त अधिकारी द्वारा आरोपी तहसीलदार से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।